आज के वीडियो में हम आपको ज्यूज यानी यहूदी धर्म के मानने वालों को कब कब किस किस देश से बाहर निकाला गया और क्यों निकाला गया इसी को लेकर के मैं आपको बताता हूँ तो आइए जाने कि ज्यूज यानी यहूदी में जूड वो कौम है जिन्होंने अपने नबी को बहुत सताया इसलिए उनका अपना कोई देश नहीं बना ये जिस भी देश में ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो अपने सातिर दिमाग से और नई नई प्लानिंग से अजीब अजीब शर्त रखते हैं जैसा कि शेक्सपियर ने अपनी किताब मर्चेंट ऑफ वेनिस में लिखा है एक शर्त रखी थी एंटेन्यू के लिए और ये कहा था कि आप बाइंड पर साइन करके दें यदि आप फिक्स समय पर फिक्स टाइम पर पैसा नहीं लौटाते हैं तो हम आपके शरीर से एक किलो गोश्त काट कर निकाल लेंगे यही शर्त इस तरह की शर्त गज़ा के मुसलमानों के लिए भी रखी और उनसे कहा कि आपको 24 घंटे के अंदर खाली कर देना है अब आप ही बताइए कि 20 लाख लोग एक शहर से दूसरे शहर तक कैसे बाहर निकल लेंगे इसी वजह से इन्हें ज्यादा दिन तक कोई देश नहीं रखता है तो हम आपको ये बताते हैं कि कब कब किन किन देश से इन्हें निकाला गया तो इंग्लैंड के राजा एडवर्ड ने 1290 सौ ईस्वी में इंग्लैंड से बाहर निकाला तेरह सौ ईस्वी में यहूदियों को फ्रांस से बाहर निकाला गया चौदह ईस्वी में यहूदियों को आस्ट्रिया से बाहर निकाला गया चौदह ईस्वी में इस्पेन से बाहर निकाला गया चौदह ईस्वी में पुर्तगाल से बाहर निकाला गया और उन्नीस में हिटलर ने जर्मनी से यहूदियों को बाहर निकाला और उन्नीस सौ ईस्वी में अमेरिका ने अपने देश से निकाल कर फिलिस्तीन में बसाया तो यही इनका इतिहास रहा है और अमेरिका यानी नाटो देश के सारे देश ये जानते हैं कि यहूदी यानी जी की फितरत को वो भली ही जानते हैं इसीलिए उन्होंने अपने देश से नहीं बसाया वरना आज जो हसर फिलिस्तीन का हो रहा है वही हसर वही दशा अमेरिका की भी होती